तो गाइज अभी ये नाना छिड़क रहे हैं यहाँ पर बीज खेत में। भाई किटू किटू ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज पीना ना बोले, ग्लूकोज पी इससे एनर्जी मिलती है। हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ ठीक और आशा करता हूँ कि आप भी होंगे ठीक। तो दोस्तों आज आपको लोकेशन थोड़ी चेंज लग रही होगी, ये देखो। तो आज आए हम मामा के घर में, तो पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो पीलिया लिया हुआ था। तो मेरी मम्मी के जो चाचा है, मेरे नाना मेरी मम्मी के चाचा, तो वो पीलिया मतलब जो मंतरना बोलते हैं उसे मंतरते हैं पीलिया को, तो वो मंतरेंगे। और एक ख़ास चीज़ मैं बताता हूँ, तो आप लोगों के यहाँ तो अभी जुताई ट्रैक्टर से होती होगी, लेकिन मेरे मामा के घर में अभी तक भी बैलों से जुताई होती है। तो आपको दिखाते हैं और पापा से भी मिलाते हैं। अभी नीचे हैं पापा, अभी मैं ऊपर सेकंड मंजिले पे हूँ, तो नीचे चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है पहाड़ी फल कुसमियारू, तो बड़ा टेस्टी होता है खाने पे। अब मिलाते हैं आपको पापा से, पापा बैठे हैं वहाँ पर, और एक बार आपको घर दिखा देता हूँ मामा का। तो ये है मेरे मामा का घर, और पापा की तो हालत ख़राब हो रही है, बैठ के बढ़िया गन्ना खा रहे हैं छांव में। हेलो, राम राम राम। हेलो गाइस, साहिल ने बता ही दिया होगा आपको शायद कि मुझे पीलिया हो रखा है अभी, तो अभी मैं इस वजह से ही बीच में कल परसों ब्लॉग नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। और अभी डॉक्टर ने कहा है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का सेवन करें, और मूली मूली और मूली के पत्ते वो खाएं। और यहाँ बिनकोट जो साहिल के मामा के घर में खास रीज़न यह है यहाँ आने का कि जो अन्नू के मामा हैं, अरे सॉरी चाचा अन्नू के चाचा हैं, तो वो पीलिया मंतरते हैं। जो भी मेरे पहाड़ी सब्सक्राइबर होगा उनको तो पता ही है कि मंतरना क्या होता है, तो उसी वजह से सुबह और शाम को मंतर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ठीक है मेरी तबीयत अब, तो अब तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद बनाएंगे, तब तक साहिल बनाएगा व्लॉग, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं जो जुताई हो रही है बैलों से, तो वहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी ये नाना छिड़क रहे हैं यहाँ पर बीज खेत में, और यहाँ पर पहाड़ी खा दिए नानी बिछा रही है, तो ये खाद से थोड़ी फसल अच्छी होती है। ये खेत में थोड़ा मैल बोलते हैं, गंदगी वो ज़्यादा हो जाती है तो तभी फसल थोड़ी अच्छी होती है। भाई ये देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है ये जुताई, कुछ इस तरीके से की जाती है बैलों से जुताई। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि यहाँ ट्रैक्टर क्यों नहीं चलते हैं। तो देख सकते हैं ये सीढ़ीदार खेत, तो चढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, ट्रैक्टर चढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए बैलों का यूज़ किया जाता है यहाँ। गाइस पापा यहाँ पर खा रहे गन्ना और मम्मी यहाँ पर से बैलों को देख रही है। तो गाइस मेरे मामा के गांव में अभी भी ये पत्थर वाले मकान देखने को मिलेंगे आपको, तो बहुत से गांव में तो ऐसे मकान हैं, और बहुत से गांव में तो इनमें इनके छत में जो ये पत्थर दिख रहे हैं काले काले, इनके छत में टीन डाल दिए हैं। और मम्मी यहाँ पर पापा के लिए पीस रही है भट ये ही नहीं उठा वाली, तो खाओ पियो फिर। और
और गाइज ये हमारी किट्टू रानी, किट्टू किट्टू। गाइज अभी मैंने नहा धो लिया है तो अब चलते हैं नीचे को मेरी छोटी नानी के घर। तो गाइज ये है मेरी छोटी नानी, हेलो गाइज तो बोल दो। और ये है नानी की छोटी छोटी पाठियाँ। सबसे छोटा ये शायद कल परसों ही हो रखा है, छोटा सा एकदम। और गाइस यहाँ से देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू दिख रहा है। नाना आ गए हैं ग्वालियर से और ये है नाना की बकरियाँ। ये इतने बड़े बड़े घसी हैं, संपर्क करें ये नाना। तो गाइज अब करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों में प्लीज दो लोगों को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए। और दोस्तों ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज पीना ना भूलें, ग्लूकोज पी से एनर्जी मिलती है। तो तब तक के लिए क्या करना है, इसको मैंने सिखा लिया है, बहुत अच्छा। कैसी बनाई ब्लॉग कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा बाय।